एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, नहीं, इट्स मी वलीद अहमद और आप लोग देख रहे हैं एस्थेटिक सिब्लिंग्स। आज के ब्लॉग में हम लोग रहीमिया खान के सबसे बेस्ट फूड पॉलर पे विजिट करने वाले हैं, जिसका नाम है बेक हाउस। चलिए आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं बेक हाउस पे, सो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इनकी इनर बेसमेंट है, जहाँ पे हम लोगों को बहुत से बेकरी आइटम्स मिलते हैं और साथ साथ पिज़्ज़ा वगैरह। सो हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर किया है मेल्टेड क्रीम चीज़। ये इनका यहाँ का स्पेशल डन है और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया, सो यू हैव टू ट्राई, बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये इनके बेकरी आइटम्स हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर टॉयज़ पड़े हुए हैं और इनके बैकवर्ड पे ये टॉय सेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत से टॉयज़ मिल जाएंगे, जैसे कि स्नो स्प्रे पड़ी हुई है, ऊपर से हैट हैं, बर्थडे हैट्स हैं। इसके बाद ये सारे बर्थडे आइटम्स पड़े हुए हैं और साथ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लोगों को किसी बच्चे को कुछ भी गिफ्ट देना हो तो बच्चों की मनपसंद का बहुत कुछ मिल जाएगा, सो आप लोग लेके दे सकते हैं। इनकी ये सैलेड ट्रॉली है, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, लगता है हम लोग काफ़ी लेट आए हैं। सो इनकी ये प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा चीप हैं, मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ईद का इवेंट है और इन लोगों ने अपनी छत बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई है, सो यू हैव टू चेक दैट। इनका बेसमेंट बहुत ज़्यादा मज़े का इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है ईद के ओकेजन पे। सो गाइस, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, सो आई गेट दिस पिज़्ज़ा। दिस इज़ माई फेवरेट वन, चीज़ मलाई। आई लव इट। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है। अगर आप लोगों ने इसे ट्राई नहीं किया तो आप लोग इसे ट्राई करें। ये बेक हाउस का सबसे स्पेशल पिज़्ज़ा है और आप लोगों को मेरे ख्याल में इसे ट्राई करना चाहिए। रैंक बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।